हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी, आपका दोस्त। और हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं इस टाइप के फंक्शन को जिसमें लॉग का बेस कुछ और ही है, ई नहीं है। तो इस टाइप के डिफरेंशिएशन के लिए आपको लॉग की एक प्रॉपर्टी पता हो कि लॉग ए टू द बेस बी को लिख सकोगे आप लॉग ए अपॉन लॉग बी। अगर और बेस आप चाहें तो इसमें ई रख सकते हैं या बेस जो भी चाहें आप वो रख सकते हैं। अगर ये प्रॉपर्टी आपको याद है तो फिर आपको इसके डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से होगा, लॉग इसको लिख दें, इसको ए अज्यूम कर लें और इसको बी अज्यूम कर लें, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स टू द बेस फोर। और यहाँ पे बेस हमने क्या ले लिया, इसको हमने ए मान लिया और इसको बी मान लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास लॉग फोर। और इसका भी बेस क्या होगा, ई होगा। अब आप इसको बाहर निकाल लें, वन बाय लॉग फोर बेस ई, और ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ लॉग एक्स, और इसको भी लिख दें लॉग एक्स अपॉन लॉग फोर। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करके, सेम प्रॉपर्टी यूज़ करके, बिकॉज ऑफ दिस, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके। और यहाँ पे बेस क्या है इसका, ई है। अब आप इसको लिख सकेंगे वन अपॉन लॉग फोर बेस ई, इसको लिख पाएंगे आप लॉग ऑफ एक्स बेस ई माइनस लॉग ऑफ क्या यूज़ की प्रॉपर्टी हमने, यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज़ की लॉग ए अपॉन बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी, ये प्रॉपर्टी यूज़ की। यहाँ ए कौन माना हमने, ए इसको माना न्यूमरेटर को, और बी किसको मान लिया हमने, डिनोमिनेटर को बी मान लिया, तो लॉग ए अपॉन बी लॉग ए माइनस लॉग बी। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू वन अपॉन लॉग फोर बेस ई लॉग ऑफ दिस लॉग ऑफ x, दोनों का बेस ई है, माइनस लॉग फोर बेस ई लॉग ऑफ फोर, दोनों का बेस ई। अब इसका डिफरेंशिएशन, तो डी वाई बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होगा वन अपॉन लॉग फोर बेस ई बाहर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विल बी वन अपॉन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होगा वन अपॉन एक्स माइनस इसका डिफरेंशिएशन बीइंग अ कांस्टेंट, ये क्या चीज़ है, ये है कांस्टेंट, और बीइंग अ कांस्टेंट इसका पूरे का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये आपका मेरे दोस्तों आंसर बनेगा, ये आपका आंसर हो गया। आप चाहें तो इसको ऐसा लिख लें लॉग फोर बेस ई एक्स लॉग एक्स बेसी। अब इसमें चाहें तो थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, अगर ये ऑब्जेक्टिव होगा तो उसमें जज करना थोड़ा सा पड़ेगा, नहीं तो इसको आप आसानी से ये डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो दिस वाज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो जिसमें ऐसा दिया है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर टू आपको बोलता हूँ, वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए दे दिया आपको, तो आप बहुत आसानी से उसको लिख लें लॉग एक्स अपॉन लॉग ए, बेस क्या है उसका, आपको बेस ई लेना है, ये ऐसा लिख दें लॉग ए बेस ई लॉग एक्स बेस ई वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका आएगा, डी वाई बाई डी एक्स आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स विल बी, ये बाहर आ गया वन अपॉन लॉग ए बेस ई बाहर आ गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया वन अपॉन एक्स।
तो ये इसका डेरिवेटिव है। तो इसको आप एक फॉर्मूले की तरह भी दिमाग में रख सकते हैं। किसको? इस वाली बात को। क्या बात है वो? नोट, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ए इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स लॉग ए बेस ई, ए बेस ई। अब लॉग की एक और प्रॉपर्टी है, अगर ये लॉग ऊपर जाएगा तो ये ए और ई इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा ई और ये हो जाएगा ए। तो ये ऐसा भी लिख सकते हैं, तो इसको भी ऐसा ही लिख सकते हैं, लॉग ई बेस ए अपॉन एक्स। तो ये भी इसका आंसर है, ये भी इसका आंसर है। तो कभी ऑब्जेक्टिव आए तो आप कीप दिस थिंग इन माइंड। और इसको एक मैं आपको और क्वेश्चन देता हूँ इसी टाइप का, क्वेश्चन नंबर 3, जो आप खुद सॉल्व करना और मुझे इसका रिस्पॉन्स लिखना। इसमें बेस 3 रख दिया और इसमें बेस 2 रख दिया। इट इज़ वेरी सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1। ट्राई योर सेल्फ एंड प्लीज लेट मी नो। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने कमेंट्स लिखिए। मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी, वाइस प्रेसिडेंट अवार्डी, PhD इन मैथमेटिक्स। और मेरी बेस्ट विशेष हैं कि आप मैथ्स में आगे बढ़ें, दूसरों को आगे बढ़ाएं और तरक्की करें। विश यू ऑल द बेस्ट।